कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं और ऐसी विपत्ति आ जाती है कि उनसे छुटकारा हो ही नहीं पाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ विपत्ति कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि छुटकारा उनसे हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको जो कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से कर लेता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या ऐसी कोई भी विपत्ति नहीं है जो समाप्त ना हो। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर संपूर्ण क्रिया को आपको समझना है कि करना किस प्रकार है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें वीडियो को लाइक करके। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी विपत्तियां समाप्त हो जाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति की समस्याएं और विपत्ति बिल्कुल अलग अलग ही होती है। और ये भी आपको बता दें कि जो दुख होता है, जो समस्याएं होती हैं, वे इस प्रकार ऑरा पर प्रभाव डालती हैं कि जीवन में दुख और समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर बहती हुई नदी है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नदी नहीं है फिर भी आप इस एक प्रयोग को जरूर जान लें, क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली और खास प्रयोग है। क्योंकि सभी लोग एक ना एक समय पर नदी के आसपास जाते ही हैं, जैसे गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि नदियों में स्नान करते ही रहते हैं। कई लोगों के घर के पास तो समंदर होता है, तो वहाँ पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जो बरगद के वृक्ष का जो पत्ता होता है उसकी आपको एक नाव जैसी बना लेनी है। आपने काफी धार्मिक स्थलों पर देखा भी होगा कि इस प्रयोग को काफी लोग करते भी हैं, नदी में दिए को बहाते हैं, तो बस इसी में संपूर्ण विपत्तियों का नाश छुपा हुआ होता है। लेकिन काफी लोगों को इसके पीछे का महत्व नहीं पता होता है, इस प्रयोग के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग के बारे में आप ये जान लें कि आपको पत्तों की नाव जैसी बना लेनी है, उसमें कुछ फूल रखकर और एक चौमुखी दीपक जला देना है। वैसे तो मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने घर के आटे से यानी कि अपने हाथों से ही गूंथा हुआ आटा लेते हैं, अपने घर का आटा लेते हैं और उसी से दीपक बनाकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर चौमुखी दीपक जलाते हैं और उस पत्ते वाली जो नाव आपने बनाई है, या फिर कई स्थानों पर कई धार्मिक स्थल पर जैसे गंगा स्नान आदि के आसपास ऐसी पत्तों वाली नाव नदी में बहाने के लिए अवश्य ही मिलती है, तो या तो आप वहां से ले सकते हैं या अपने घर से ही ऐसे ही बना सकते हैं। ये बड़ी आसानी से बन भी जाती है। या फिर अगर आपको पत्तों की नाव नहीं मिल पाती है, ना ही आप बना पाते हैं, तो आप कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिसमें आप अपना दिया और थोड़े से फूल रख सकें। कोई भी ऐसी चीज जो पानी में तैर सके, जैसे बड़ी सी कटोरी आप ले सकते हैं, उसमें भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि नदी के किनारे जाकर आपको कुछ फूल वहां पर रखकर अपना दीपक चौमुखी जला देना है और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं इस समस्या में, इस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बस इस प्रकार करते हुए आप जो वो कटोरी है या जो पत्तों की नाव आपने बनाई है उसको पकड़ते हुए आप ये बोलें कि हे मेरी समस्या, हे मेरी विपत्ति और हे मेरे दुख, आज से मैं तुम्हें विदा करता हूँ, इसी नाव के साथ तुम भी बह जाओ और भगवान शिव के चरणों में अपना स्थान ग्रहण कर लो और तुम भी मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार बोलते हुए बस आप उस नाव को नदी में बहा दें। केवल इतना सा कार्य करने मात्र से अगले दिन से आप ऐसे योग देखेंगे कि आप संपूर्ण समस्याओं से, संपूर्ण विपत्तियों से इस प्रकार छूट जाएंगे जैसे कभी समस्याओं में, विपत्तियों में फंसे ही नहीं थे। यह बड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली और खास प्रयोग है। जिन लोगों के घर के आसपास नदी है, समंदर है, वह बड़ी आसानी से इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो जब भी आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो इस प्रयोग को कर लें। अब दूसरी चीज ये है कि भगवान शिव का जो मंदिर होता है वह सभी के घर के आसपास तो होता ही है, तो आपको उसी मंदिर में जाना है जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति होती है, जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग रखा हो, जहाँ पर सभी लोग जल आदि वगैरह चढ़ाते हो। तो वहां पर अगर बरगद का वृक्ष है तो काफी अच्छा है, अगर बरगद का वृक्ष नहीं है तो पीपल के वृक्ष में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। जो ये दूसरा प्रयोग हम आपको बताएंगे, ये भी आप सुन लें कि अगर भगवान शिव के मंदिर की जो पीपल वृक्ष हो, जो बरगद के वृक्ष हो, वहाँ की कुछ मिट्टी आप लेकर आ जाएं और इस मिट्टी में आपको थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा सिंदूर मिला लेना है और थोड़ी सी हल्दी भी मिला लेनी है, और बस इसी मिट्टी से ये जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं इन्हें मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लेना है और अपने घर के मंदिर में या घर के मंदिर की दीवार पर, जहां आपके घर का मंदिर है, ऊपर की ओर कहीं भी आप बस इतना लिख दें, सुख और समृद्धि। या फिर अगर आप व्यापारी हैं
तो आप अपने व्यापार स्थल पर जाकर इसी मिट्टी से शुभ और लाभ लिख दें, और भगवान श्री गणेश की आकृति भी अगर आप बना सकते हैं, चित्र कोई बना सकते हैं, इसी मिट्टी से बना सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। या फिर इसी मिट्टी से आप भगवान श्री गणेश को भी बना सकते हैं और अपने व्यापार स्थल में आप इसे रख सकते हैं। ऐसा करने मात्र से सभी व्यापार की जो बाधाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं, सभी विपत्तियां समाप्त होती हैं और सुख की प्राप्ति होती है और शुभ और लाभ भी मिलता ही चला जाता है। तो दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन्हें अवश्य ही कर लें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आप लिखेंगे सुख समृद्धि शुभ और लाभ आप लिखेंगे तो आपको हर एक महीने की पूर्णिमा पर इस प्रयोग को वापस करना है, यानी कि उन शब्दों को उस एक वर्ड को वापस से चार्ज करना है, उसी मिट्टी से करना है। ऐसा करने से संपूर्ण विपत्ति समाप्त हो जाती हैं। ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं जिनमें करने के लिए कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी आसानी से इन्हें कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अवश्य ही शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्माज बढ़ सकें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है जिससे आपके गुड कर्माज बढ़ते ही चले जाते हैं। तो अवश्य ही शेयर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।